SBS News, सच का साथी। जहां आज एक तरफ पूरे देश प्रदेश में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है, उनको लेकर तमाम तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में RLD कार्यालय के बाहर मोदी सरकार का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के दौरान योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने बताया कि किसानों का हक देने वाली योगी मोदी सरकार आज गाजियाबाद बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। आज जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, गोलीबारी की है, लोग हताहत हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए लड़ती रही, हम किसानों के साथ आए। हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी, जैन जी किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। हम यहां बैठ करके ही सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो हिटलरशाही है, इसको रोको, इसको ख़त्म करो। अब तुम किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का तुम विश्वास खो चुके हो। किसान 100 में 65 है। जब किसानों का विश्वास आपने खो दिया, तो अब इनको इस सत्ता पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज हमने उसी के विरोध में यहाँ लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंकने का काम किया है, और हम हालात पे निगाह रखे हुए हैं। मुझे लगता है ये मामला इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं है। किसानों पे लाठी चली है, अग्रिम आपका क्या होगा? अगर ये किसानों की बात नहीं, अब तो बात बढ़ गई जी। अब तो पानी जो है सर से ऊपर हो गया है। यह हमारा आंदोलन, किसानों का आंदोलन, जब तक ये सरकार दफा नहीं हो जाती केंद्र और प्रदेश की, तब तक राष्ट्रीय लोकदल का आंदोलन चलता रहेगा। हम किसानों के साथ हैं, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार इस देश के किसानों के साथ जो वादा किया, छात्रों के साथ जो वादा किया, नौजवान जिसके साथ वादा किया था, आज बेरोजगार है उसके साथ जो वादा किया, इन सब वादों को पूरा करे, नहीं तो सत्ता छोड़ के जाए।